बिना कागजात, बिना हेलमेट या फिर बिना सीट बेल्ट लगाए जो वाहन चला रहे हैं उनकी अब खैर नहीं है, और इसके लिए जबरदस्त चेकिंग अभियान पटना की सड़कों पर चलाया जा रहा है। ये पटना की सड़कों का नज़ारा है जहां सड़कों पर जगह जगह पर जो पटना पुलिस है वो तैनात है, और जो लोग विदाउट हेलमेट हैं या फिर सिंगल हेलमेट है या फिर बिना कागजात के हैं या विदाउट सीट बेल्ट हैं, उन तमाम लोगों को धर पकड़ किया जा रहा है और उनका चालान काटा जा रहा है। सीधी तस्वीर है ये पटना के सड़कों की, जहां पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाई जा रही है, जिसमें जो बिना कागजात के रैश ड्राइविंग करते हैं या फिर विदाउट डबल हेलमेट गाड़ी चलाते हैं उन लोगों के धर पकड़ की जो शुरुआत है वो की गई है और लोगों का चालान काटा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये विशेष चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है पटना की सड़कों पर, जिसे जो आए दिन सड़क दुर्घटना होती है, जो लूटपाट घटनाएं होती है, उस पर ज़रूर लगाया जा सके। हमारे साथ पुलिस पदाधिकारी हमसे बात, सर क्या कुछ विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? हाँ सर, बड़े पदाधिकारी कार्य से विशेष चेकिंग अभियान चल रही है, बिना सीट बेल्ट के लिए, बिना हेलमेट के लिए वही अभियान चल रही है। जो उनका चालान काटा जा रहा है? जी बिल्कुल, चालान काटा जा रहा है, उल्लंघन कर रहे हैं यातायात नियमों का, जो भी कोई उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, विदाउट हेलमेट चल रहे हैं, उसके बाद सेकंड पायोनियर जो है तो हेलमेट नहीं लगाया, उसी का फाइन हो रहा है सर विशेष अभियान के तहत। और किसी चीज़ की चेकिंग है सर? कागजात के अलावा शराब वगैरह की भी चेकिंग है? नहीं नहीं, वो चेकिंग हम लोग नहीं करते, हम लोग यातायात से जुड़े हुए, हम लोग वो चेकिंग नहीं करते, हम लोग यातायात नियमों का जो उल्लंघन होता है उसी का चेकिंग करते हैं। देखिए, यातायात नियमों का जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, और कहीं ना कहीं जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं या फिर विदाउट हेलमेट गाड़ियाँ चला रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, विदाउट डबल हेलमेट है या फिर बिना कागजात के हैं, उन लोगों को धर पकड़ किया जा रहा है, उन लोगों का चालान काटा जा रहा है, और कहीं ना कहीं इससे जो सड़कों पर जो बिगड़ी यातायात व्यवस्था है उस पर ज़रूर लगाम लगेगा। वरीय पदाधिकारी जो है उनके निर्देश पर इस विशेष चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया है। और सर कब तक ये विशेष चेकिंग अभियान? ये अभियान आपका 1 बजे से तक चलेगा। हाँ, आज विशेष अभियान है सर, एक ही दिन का है या फिर और भी है? नहीं, आगे तो फिर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक महोदय का जब आदेश होगा तो फिर आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी 2-3 दिन से, जैसे पहले 1 दिन पहले भी चला है और फिर आज चल रहा है, फिर अगला आदेश होगा तो फिर हम लोग देखेंगे। क्या जिस तरह से सड़कों पर दुर्घटनाएँ पड़ रही तमाम? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि आए दिन देखा जा रहा है कि 2-व्हीलर मैंने बाइक रोड पर जो है सो, क्योंकि अनसिस्टम जिसको कह सकते हैं आप, बहुत स्पीड चलाना और हेलमेट का इस्तेमाल ना करना, ये सब चीज़ है जिसके चलते आए दिन दुर्घटना होती रहती है, जिससे परेशानी बढ़ रहा है। इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए लगातार? हाँ, ये सब को रोकने के लिए हम लोग विशेष अभियान का आज किया गया है, और ये मैं समझता हूँ कि अभी चलेगा। लोगों को जागरूक भी आप लोग कहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, लोगों को रोकते हैं, उनको समझाते हैं कि जब भी आप चलें तो अपना कागज़ लेकर के चले, हेलमेट लेकर चले, गाड़ी का जो पूरा कागजात है वो रहना चाहिए, और अनसिस्टम ना चले जिससे दुर्घटना होने पर बचाव किया जा सकता है, सिस्टम में रहेंगे तो बचाव किया जा सकता है, ये चीज़। देखिए, जो लगातार घटनाएं बढ़ रही थी इसको लेकर वरीय पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार जो चेकिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है, और लगातार ये चेकिंग अभियान चलता रहेगा ताकि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उसमें कमी आ सके, और जो हैंड हेल्ड मशीन है उसके ज़रिए जो चालान है वो कहीं ना कहीं काटा जा रहा है। ये हैंड हेल्ड मशीन है जिसके ज़रिए जो चालान है वो काटा जाएगा, इसमें गाड़ी का नंबर डालने के बाद जो है चालान काट कर फाइन की व्यवस्था की गई है, और जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं ये पटना पुलिस की यातायात थाने की बड़ी पहल है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके और जो लोग हैं वो यातायात नियमों का पालन करें, इसको लेकर जागरूकता अभियान भी कहीं ना कहीं चलाया जा रहा है, और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जब भी आप सड़कों पर निकलें हेलमेट ज़रूर लगाएँ, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएँ, और वैध कागजात लेकर निकलें। और हम डैश डी न्यूज़ की तरफ से भी अब तमाम दर्शकों को जागरूक करते हैं कि जब भी सड़कों पर निकलें, वाहन से निकलें, तो अपने ज़रूरी कागजात, हेलमेट और सीट बेल्ट ज़रूर लगा कर निकलें। सहयोगी अमित कुमार के साथ विशाल भारद्वाज, डैश डी न्यूज़, पटना।